भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के बेहतर प्रदर्शन के चलते मार्च 2022 में कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या बढ़कर 116.69 करोड़ से अधिक हो गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अपनी मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। इस दौरान भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने मोबाइल फोन के साथ ही फिक्स्ड लाइन सेवा खंड में नए ग्राहक जोड़े हैं। भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या मार्च 2022 के अंत में बढ़कर 116.69 करोड़ हो गई है, जो फरवरी 2022 के अंत में 116.60 करोड़ थी। मार्च 2022 के अंत तक वायरलेस ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 114.2 करोड़ हो गई है, जो फरवरी में 114.15 करोड़ थी। इसी माह में भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मार्च में एयरटेल के मोबाइल ग्राहकों की संख्या शुद्ध रूप से 22.55 लाख बढ़ी, जबकि जियो के लिए यह आंकड़ा 12.6 लाख था। इसी दौरान टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 28.18 लाख से अधिक मोबाइल ग्राहकों को खो दिया है। इसी दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL ने क्रमशः 1.27 लाख और 3,101 मोबाइल ग्राहक खो दिए। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।